नमस्कार, उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेजी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान संगठन सरकार में 10वें दौर की हुई वार्ता। कृषि कानूनों पर रोक के लिए तैयार हुई सरकार। प्रस्ताव पर 22 को जवाब देंगे किसान। उत्तराखंड की सियासत में जुबानी जंग जारी। हरक सिंह रावत का हरीश रावत पर हमला। हरदा को बताया फूका और छूटा हुआ कारतूस। महाकुंभ के लिए हरिद्वार में जोरों पर तैयारी। अब अंतिम चरण में कुंभ मेले की तैयारियां। मेलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। हरिद्वार में दो बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ी महिला। भू माफियाओं से परेशान होकर उठाया कदम। पुलिस प्रशासन के समझाने पर 2 घंटे बाद उतरी नीचे। राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 और बाघों के ट्रांसलोकेशन की राह साफ। अब कुछ दिन बाद 3 और बाघ इस क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। उत्तराखंड में फिर मौसम ने ली करवट। मैदानी इलाकों में शीतलहर ने किया बेहाल। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। काशीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का तांडव। बड़ी खबर काशीपुर से। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का तांडव देखने को मिल रहा है। अवैध खनन के कारोबार को माफिया दे रहे हैं अंजाम। कार्रवाई करने गई पुलिस के हाथों से फरार हुए खनन माफिया। भागते हुए खनन माफिया और पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। आईटीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी की बताई जा रही है वीडियो। काशीपुर से बड़ी खबर। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। अवैध खनन के कारोबार को माफिया दे रहे खुलेआम अंजाम। भागते हुए खनन माफिया और पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आईटीआई थाना क्षेत्र के कोसी नदी की बताई जा रही है वीडियो। बड़ी खबर काशीपुर से। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का तांडव देखने को मिल रहा है। अवैध खनन के कारोबार को माफिया अंजाम दे रहे हैं। कार्रवाई करने गए पुलिस के हाथों से फरार खनन माफिया। भागते हुए खनन माफिया और पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे काशीपुर से। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का तांडव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ खनन माफिया ट्रैक्टर से फरार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस उनको पकड़ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ट्रैक्टर में सवार होकर खनन माफिया फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पीछे पुलिस की कार भी चल रही है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लोग पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां हरदा के एक बार फिर सीएम बनने की इच्छा पर प्रीतम गुट एक हो चला है, तो वही कांग्रेस इस फूट पर भाजपा चुटकी लेने से नहीं चूक रही। और इसी क्रम में अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी हरदा पर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस के एक बार फिर खिलखिली हो गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चली हैं। एक तरफ जहां पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं पार्टियों के अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के सीएम चेहरे घोषित करने की मांग को लेकर जहां हरदा अपनों के बीच ही बेगाने हो गए हैं, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठों के बयानों के चलते अब भाजपा भी कांग्रेस की चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। हाल ही में हरीश रावत ने एक बार फिर सीएम बनने की मंशा जताई थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने रावत पर कटाक्ष किया है। हरक ने हरीश रावत को छूटा और फुंका कारतूस बताते हुए वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और चुनाव में वही कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी राज्य में 11 सीटों पर आकर सिमट गई थी। हरक ने कहा कि ऐसे छूटे और फुंके कारतूस को कांग्रेस दोबारा चलाना चाहती है तो उत्तराखंड के युवाओं को कांग्रेस से क्या उम्मीद होगी। हरक के अलावा भाजपा के दर्जाधारी राज्य मंत्री वीरेंद्र विष्ट ने भी कांग्रेस के घमासान पर जमकर चुटकी ली। जनता पार्टी की सरकार अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के नेता अगर सपना देख रहे हैं
तो देखने में मनाही क्या है, दिल बहलाने बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अगर इससे वह उनका मन प्रसन्न होता है तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व प्रदेश का है वो उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो स्वयं प्रदेश के कार्यक्रमों में मंच साझा भी नहीं करते हैं। अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर उनको लेकर है, उनके जो बयान आते हैं उससे उनकी कांग्रेस ही कमजोर होती है। हमें तो हमेशा उनके बयानों से फायदा ही मिलता है, लेकिन राज्य में कांग्रेस के लिए कोई स्थान बचा हुआ नहीं है। हमारे बहुत पीछे तक भी वो लड़ाई में कहीं हमारे सामने खड़े नहीं है, बहुत आगे तक तो कोई है ही नहीं। नहीं देखिए, हरीश राव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान होगा, आप निश्चिंत रहिए, इस पर कोई वापसी द्वंद्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने भाव की अभिव्यक्ति करे तो आपसी द्वंद्व किस बात का लगता है। हरदा के सीएम चेहरा घोषित करने की मांग को लेकर जहां पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर आपत्ति जता चुके हैं, तो वहीं अब पार्टी की किरकिरी होते देख कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के शाख बचाने का बोझ उठा लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के भीतर किसी भी प्रकार की कोई अंदरूनी कलह नहीं चल रही है। हरीश रावत ने अपनी बात रखी और सभी को अपनी बात रखने का हक है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। टिहरी जनपद के एसएसपी के निर्देशों के बाद नई टिहरी कोतवाली में 32वां सुरक्षा आपको बता दें शुरू हो गया। टिहरी जनपद की एसएसपी के निर्देशों के बाद नई टिहरी कोतवाली में 32वां सड़क सुरक्षा माह के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। दौरान ट्रैफिक के नियमों को पालन व बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। दरअसल टिहरी जनपद के एसएसपी के निर्देश के बाद नई टिहरी कोतवाली ने भी 32वां और सड़क सुरक्षा माह के रूप में मना रही। इसी के तहत कोतवाली में सड़क सुरक्षा माह जीवन रक्षा के थीम पर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के स्थानीय व्यापारी सहित वाहन चालक भी शामिल हुए। इस दौरान नई टिहरी कोतवाली के कोतवाल देवेंद्र रावत ने यातायात के नियमों का पालन करने और बिना हेलमेट सीट बेल्ट ड्रंक ड्राइविंग और सहित नियमों के विरोध करते हुए बताया जाता है कि उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। जो हमारा यातायात निदेशालय के वहाँ से आदेश हुए इसमें 1 माह का चलेगा ये, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। इसमें डेली का एक प्रोग्राम आया हुआ है, तो आज हमने पब्लिक के साथ एक संवाद रखा हुआ है कि ये अपना बताएं ट्रैफिक के बारे में, कुछ हम बताएं ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, कौन कौन सी नई ऐप आ गई इसमें। सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने पर कांग्रेस विधायक के गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं ना जाने पर कांग्रेस विधायक ने रोष जताया है। प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग की गई है। गन्ना पराई का सत्र पूरा ना होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में किसानों का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों का अभी तक गन्ने का बकाया भुगतान भी शुगर मिलों पर शेष है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि वह किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन अभी तक किसानों की फसलों का भुगतान भी समय से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार केवल किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में जनता का सरकार पर से भरोसा उठ गया। अगर सरकार जल्द गन्ने का भुगतान नहीं करती है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। महीना आधा होने को आ गया, गन्ने का अब तक भुगतान का तो छोड़ दीजिए, लेकिन भाव ही तय नहीं हुआ। अगर मैं सरकार से सवाल करूं कि इस समय गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर कितना बकाया है, तो जवाब देने की पोजीशन में इस वक्त सरकार नहीं होगी। ना चीनी मिल बता सकते कि वो इस टाइम कितने रुपए के देनदार हैं किसानों के, क्योंकि जिस चीज़ का भाव ही तय नहीं हो,
तो किसान एक उम्मीद पर ही गन्ना अपना डाल रहा है और अभी तक पिछले 4 साल में 1 रुपया भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ने का नहीं बढ़ाया। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं। भुखमरी का कगार पर है, 2.5 महीने हो गए मिल कुछ लगे और वो अपना गन्ना गिर दिया उसने। उसे यही पता नहीं पैसा तुझे कितना मिलेगा, कहाँ खर्च करना तुझे, जब नहीं पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। और एक सबसे घटिया काम इस सरकार ने ये किया कि यूरिया कट्टा 50 किलो का होता और इसने 45 किलो का कर दिया और भाव बढ़ा दिए। और एक तरफ कह रहे हैं हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले में गतिविधियां तेज हो गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले के अधिकारियों एवं बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया। बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में मेला अधिकारी को अवगत कराया। वह मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ इस साल हरिद्वार में आयोजित होगा। पावन नदी गंगा में आस्था और मोक्ष की डुबकी लगाने लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और संत हरिद्वार के घाट पर इकट्ठे होंगे। कुंभ मेले में कुल 4 शाही स्नान होंगे। मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय रहते पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का काम कर रहे सैम इंडिया कंपनी के प्लांट को 25 जनवरी तक बैरागी कैंप से हटाए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं प्लांट न हटाए जाने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी भी मेला अधिकारी ने दी है। इस मौके पर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि बैरागी कैंप में पारंपरिक जो सुविधाएं चली आ रही हैं, मेला प्रशासन वह सुविधा उपलब्ध कराएगा। सबसे पहले जमीन उबड़ खाबड़ है, उसका समतलीकरण किया जाएगा। बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, वो सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पर ड्रेसिंग लेवलिंग है, जमीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीजें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। मौके पे कुछ जगह अतिक्रमण है, उनको डिपार्टमेंट्स द्वारा नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके भी, इनको मैं एंक्रोचमेंट तो नहीं कहूंगा, परमिशंस थी, लेकिन अभी वो वर्तमान में परमिशंस पूरी हो गई हैं। उनको भी मैंने 4-5 दिन का समय दिया है क्योंकि समय काफी कम है और बहुत सी फैसिलिटीज का वहाँ पे हमें डेवलप करना है। तो कुल मिला के समय रहते हमारा पूरा प्रयास होगा, समय रहते अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम यहाँ पे देंगे। इस मौके पर कुंभ मेले के दिगंबर अड़ी के प्रतिनिधि बाबा हट योगी ने कहा कि मेले अधिकारी ने उनके साथ बैरागी क्षेत्र में धरातल स्तर पर उतर कर निरीक्षण किया है। यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं और साथ ही बैरागी क्षेत्र में एक कंपनी का प्लांट भी लगा हुआ है जिसको मेला अधिकारी ने 2-4 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं। एंक्रोचमेंट भी है, घाटों तक की भी है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है और जितना कहता का एक जिससे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया, सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वह है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया। और हमारा 15 दिन तक का दिगंबरणी अखाड़ा, निर्मोहिणी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े, इन तीनों की बाउंड्री गेट ये सब करके हम लोगों को मतलब बनाने के मतलब वो करने के लिए जो जो सरकार से मिलती है वो सुविधा पूर्ण करने का हमें पूरा उन्होंने वादा किया। बता दें कि माघ पूर्णिमा पर 27 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 20 जनवरी के आसपास इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुंभ मेले की अवधि 2 माह की होगी। 27 अप्रैल तक चलने वाले कुंभ के दौरान 4 शाही स्नान होंगे। के न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से ओम प्रयाग की रिपोर्ट।
हरिद्वार जिला कारागार में तैनात 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ सिरकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सप्ताह भर पहले खाने को लेकर हुए विवाद में इन बंदी रक्षकों ने दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद दो भाइयों की पिटाई कर दी थी, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वे बंदी के पिता जब उससे मिलने पहुंचे तब मामले का खुलासा हुआ। वही पिता की तहरीर पर सिरकुल थाने में 5 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। ना जरूर इसमें निष्पक्ष और उचित कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग भी इंस्पेक्शन किए हैं, उसका पूरा प्रक्रिया का संज्ञान लिए हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है। मेजर डिसीजंस भी हम ले रहे हैं वहाँ पे जैमर लगाने का और विभिन्न पॉइंट्स में जो है सीसीटीवीस लगाने का और जनरली वहाँ का जो कैदियों का जो है लाइफ स्टाइल को परिवर्तन करने में जो है योगा और अन्य जो बेहतर बिहेवियर प्रैक्टिसेस को देने के लिए जो है विभिन्न संस्थानों को रोपिंग करने का इस प्रकार का जो है विभिन्न निर्णय लिया गया है, तो बहुत जल्दी जो है वहां पे सुधार आप देख सकते। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। देखिए बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर के शिवनगर में खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तेजवी में आए मेहमानों के लिए खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए, एक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर ट्रांजिट कैंप निवासी चंदन के बाद विमला की 14 दिन पहले मौत हो गई थी। बीते मंगलवार को मृतका की तैरवी का भोज रखा था। भोज में कई रिश्तेदार और परिजन शामिल हुए थे। आसपास के लोगों के अनुसार बुधवार की देर शाम घर में ठहरे मेहमानों के लिए खाना बनाया जा रहा था और इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग धधक गई। आग लगते ही चंदन ने सिलेंडर को चूल्हे से निकाल कर बाहर फेंक दिया। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तीरमी थी, वो खाना बनना था, तो उसमें सिलेंडर में अपने आप आग लग गई। उसमें जब आग लगी तो हम लोगों ने लापरवाही उसको खींचा, सिलेंडर खींच दिया। हम तो जानते नहीं कैसे बुझता हो, हमने उसको जैसे ही खींचा जपचा तो एक पैप निकल गया था चूल्हे में से, उसने आग पकड़ ली थी। उसमें से एक हमारा साला मुँह वाल चल गया, फिर हम उसको खसेड़ते हुए ले गए सिलेंडर को। हमने उसको और जब मेरा हाथ जल गया सिलेंडर को बुझाते हुए, और उस सिलेंडर को हम बुझाने ले गए, फिर हम तलाई के किनारे ले गए। हमने आलू वाला कट्टा जो हमें किसी ने बताया तब हमने उसको ढका और बंद करा उसको। उधमसिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पॉस्को एक्ट में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के छतरपुर निवासी द्वारा दिनेशपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद किसी को बताने पर नाबालिग को जान चबाने की धमकी
दी जा रही थी। कई बार नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। एक दिन नाबालिग द्वारा अपनी माँ को पूरी कहानी बताई गई। तब वो 5 माह की गर्भवती थी, जिसके बाद उसके घर में हड़कंप मच गया। पीड़िता के परिजनों द्वारा 29 सितंबर 2019 को थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई थी, जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी बिहान द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। नैनीताल दौरे पर नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने दुग्ध उत्पादक संघ के साथ बैठक की। डेयरी सेक्टर ने इस साल 27% वृद्धि दर्ज की है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 10,000 दुधारू पशु 50% छूट पर दुग्ध पालकों को देने जा रही है, जिसमें दुग्ध पालक 3 से लेकर 5 दुधारू पशु ले सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को जंगलों से चारा लाने से मुक्ति दिलाने के मकसद से सरकार द्वारा 50% की छूट के साथ चारा देने की योजना है। सबकी ओर से, अपनी ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमें डेयरी सेक्टर जो है इस साल 27% ग्रोथ किया है डेयरी सेक्टर ने। कल मैंने डेयरी सेक्टर की बैठक की थी और इस साल हमारी सरकार 10,000 दुधारू पशु जो है अपने दुग्ध पालकों को दे रही है 50% डिस्काउंट में। वो 3 गाय भी ले सकते हैं, 5 गाय भी ले सकते हैं और लगभग 2,500 लोगों को हम डेयरी सेक्टर से जोड़ रहे हैं। भाजपा ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के 4 साल में किए गए विकास के कार्यों को गिनाया। वह प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन विपक्ष बेबुनियादी रूप से हर विषय पर राजनीतिकरण कर रही है। वह भाजपा के आरोपों को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार में 2017 में जो वादे प्रदेश की जनता से किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं ये बताया जाए। उन्होंने कहा कि आज युवाओं से लेकर किसान तक सड़कों पर है। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है और क्या कहा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। 4 साल हो गए, ना 0 टॉलरेंस का नारा दिखाई दे रहा है और ना कहीं पर जो है लोकायुक्त दिखाई दे रहा है, ना NH-74 की CBI जांच होती हुई दिखाई दे रही है। और तो और जिस प्रदेश के मुखिया पर हाईकोर्ट ये निर्णय दे दे कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, CBI जांच करे और FIR दर्ज करे। बता सकता हूं कि 2017 में जब हमारी त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनी, त्रिवेंद्र जी ने केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा सहयोगात्मक रवैया अपना करके प्रदेश की जन भावनाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए था वो सम्मान त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने किया है और 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व कार्य हुए। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रानीखेत पहुंची। रानीखेत पहुंचकर उन्होंने KRC स्थित उलन फैक्ट्री में बने उत्पाद देखे। उन्होंने वहां कार्यरत महिलाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और उनके कार्यों की सराहना की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वन विश्राम गृह पहुंचकर आजीविका प्रबंध परियोजना द्वारा निर्मित उत्पादों को देखा और उनके द्वारा बनाया हुआ केक भी काटा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मैं रानीखेत बहुत पहले आई थी, लगभग 35 साल पहले, तब मैंने ये जो वुलन का उनका वो है रिहेबिलेशन सेंटर तब भी देखा था। तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार इन वीर नारियों का ये देखा जाए और इनसे पूछा भी जाए कि ये यहाँ ठीक हैं कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, कोई बात हो तो बताएं। लेकिन आज मुझे देख के वहाँ बहुत ही अच्छा लगा है कि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो ये कहूँगी, मैंने अभी ये सब भी देखा है, महिला जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं।
टिहरी जिला कांग्रेस कमेटी ने नई टिहरी चौराहे पर बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य व केंद्र सरकार का पुतला फूका। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी राकेश राणा की अध्यक्षता में राज्य में बढ़ती महंगाई के खिलाफ नई टिहरी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से नई टिहरी चौराहा तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेसियों ने राज्य और केंद्र सरकार का पुतला फूका। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार का इस प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा, लेकिन इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। 14 में गैस सिलेंडर के दाम 382 रुपए था, आज गैस सिलेंडर के दाम 900 रुपए होने जा रहे हैं, 900 रुपए हो गए हैं। पेट्रोल में आग लगी हुई है, महंगाई बाजार में चरम पर है, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल और दुश्वार हो गया है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने का कतई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने साथ न तो बेरोजगारों के साथ न्याय किया, 2 लाख नौजवानों को प्रत्येक साल राज्य सरकार ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, केंद्र सरकार ने कहा था कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार दीजिए, केंद्र में 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में जो नौजवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिनको रोजगार मिला भी था, आज वो भी सड़कों पर है, वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।